हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये है टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश की एक्सरसाइज नंबर 28 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, जिसमें हम 11 नंबर से 20 तक का सॉल्यूशन देंगे। नंबर वन, ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, उसने अपनी गलती स्वीकार की। ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, उसने अपना पश्चाताप व्यक्त किया। दोनों को जोड़ेंगे तो हैविंग एडमिटेड हिज मिस्टेक, अपनी गलती स्वीकार करने के बाद, यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल लगाएंगे जिसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, कॉमा, ही एक्सप्रेस्ड हिज रिग्रेट, उसने अपना पश्चाताप स्वीकार किया। नंबर 12 देखिए, द बुक हैज बीन प्रिंटेड, किताब छप चुकी है। द बॉयज विल परचेज इट नाउ, बच्चे अब इसे खरीद लेंगे या खरीदेंगे। दोनों को जोड़ेंगे, द बुक हैविंग बीन प्रिंटेड, कॉमा, द बॉयज विल परचेज इट नाउ, क्लियर। नंबर 13 पर आते हैं गाइस, ही अर्नड नेम, उसने नाम कमाया था। ही सर्व द कंट्री, उसने देश की सेवा की थी। जैसी दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ ऐसे, ही अर्नड हिज नेम बाई सर्विंग हिज कंट्री, उसने देश की सेवा करने के द्वारा या करके नाम कमाया। 14 देखिए दोस्तों, इट इज़ वेरी हॉट डे, आज का दिन बड़ा ही गर्म है। आई कुड नॉट गो आउट, मैं बाहर नहीं जा पाऊंगा। तो इट इज़ टू हॉट डे फॉर मी टू गो आउट। 15 पर आएंगे, आई सॉ अ बर्ड, मैंने एक चिड़िया देखी। इट वॉज सिंगिंग एट ए डिस्टेंस, जो यह कुछ दूरी पर गा रही थी। दोनों को जोड़ेंगे, आई सॉ अ बर्ड सिंगिंग एट ए डिस्टेंस, मैंने एक चिड़िया देखी कुछ दूरी पर गाना गाते हुए, क्लियर। पर नेक्स्ट देखिए, अब है 16, द टीचर पनिश द बॉय, अध्यापक ने बच्चे को दंडित किया। ही फेल्ट सॉरी, वह दुखित हुआ, उसने दुख महसूस किया। दोनों को जोड़िए, आफ्टर पनिशिंग द बॉय, लड़के को दंडित करने के उपरांत, द टीचर फेल्ट सॉरी, अध्यापक दुखित हुआ। 17 देखेंगे, ही सक्सीडेड, वह सफल हुआ। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट इट, उसने ऐसी आशा नहीं की। ही सक्सीडेड अनएक्सपेक्टेडली, एडवर्बियल क्लॉज का यूज करेंगे और सेंटेंस को जोड़ देंगे। 18 सुनील फिनिश्ड हिज वर्क, सुनील ने अपना काम समाप्त किया। ही वेंट टू द बाजार, वह बाजार गया। ही वॉन्टेड टू बाई फ्रूट्स, वह फल खरीदना चाहता था। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, आफ्टर फिनिशिंग हिज वर्क, अपना काम समाप्त करने के बाद, सुनील वेंट टू मार्केट टू बाय फ्रूट, सुनील फल खरीदने बाजार गया। 19 देखिए, मोहन वाज एन ओल्ड मैन, मोहन एक बूढ़ा आदमी था। ही वाज पुअर, वह गरीब था। ही कॉल्ड हिज सन्स, उसने अपने बेटों को बुलाया। ही वॉन्टेड टू एडवाइज देम, वह उन्हें सलाह देना चाहता था। सबको जोड़िए, सिंपल सेंटेंस, मोहन कॉमा अ पुअर ओल्ड मैन कॉमा, मोहन एक जो बूढ़ा गरीब आदमी है, कॉल्ड हिज सन्स, अपने बेटों को बुलाया टू एडवाइज देम, उन्हें सलाह देने के लिए। 20 है लास्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इट वाज अ फाइन इवनिंग, शानदार शाम थी। इट वाज समर सीजन, गर्मी का मौसम था। ही वेंट टू द फील्ड, वह खेत में गया। ही वॉन्टेड टू रन अ रेस, वह एक रेस करना चाहता था, दौड़ना चाहता था। हिज ब्रदर्स ऑल्सो रैन विद हिम, उसके भाई भी उसके साथ थे। आइए सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इट बीइंग अ फाइन समर इवनिंग, एक शानदार गर्मी की शाम होने पर, ही वेंट टू हिज फील्ड, वह अपने खेत में गया विद हिज ब्रदर्स, भाइयों के साथ टू रन, दौड़ने के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। संजीव गोस्वामी।